सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूरो के प्रोडक्शन का। कैसे आप सब, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2023 के 15 T20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है सलीमा स्पार्टन्स और मदुराई पैंथर्स के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टॉस, मैच, सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। ये मैच होने वाला है 24 जून को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 7:15 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी SCF क्रिकेट ग्राउंड सलीम इंडिया में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का, टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। पहली टीम सलीम स्पार्टन्स की बात करें तो जहाँ 5 मैच में से 3 मैच हार के आ रही, तो वहीं 2 मैच जीत के आ रही है। वहीं अगर दूसरी टीम मदुराई पैंथर्स की बात करें तो जहां मदुराई पैंथर्स 5 मैच में से 4 मैच हार के आ रही है और 1 मैच जीत के आ रही है। तो टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पे सलीम स्पार्टन्स 1 मैच से आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दो टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेस में, तो जहाँ पे सलीम स्पार्टन्स 3 मैच जीत के आ रही है हेड टू हेड में, तो वहीं मदुराई पैंथर्स भी 3 मैच जीत के आ रही है। तो हेड टू हेड की बात करें तो यहाँ पे लगभग इक्वली एक दूसरे को काफ़ी अच्छा बीट कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ज्यादा देर न करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं। लास्ट 10 मैचेस में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहले कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात की जाए तो जहां पर सलीम स्पार्टन्स का 20% देखने को मिल रहा है, तो वहीं मदुराई पैंथर्स का 50% देखने को मिल रहा है। अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो जहां पर सलीम स्पार्टन्स का 127 है, तो वहीं मदुराई पैंथर्स का 135 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो सलीम स्पार्टन्स का 165 है, तो वहीं मदुराई पैंथर्स का 183 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो सलीम स्पार्टन्स का 87 है, तो वहीं मदुराई पैंथर्स का 76 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे कंपेरिजन के मामले में मदुराई पैंथर्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हर एक चीज़ से देखने को मिल रही है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं वेदर की ओर। आज का मैच में वेदर कैसी रहेगी, तो है जी सनशाइन, यानी मौसम लगभग पूरी तरह क्लियर रहेगी। अगर वहीं सेल्सियस की बात की जाए तो 32.8 डिग्री सेल्सियस रहेगी। अगर ह्यूमिडिटी देखें तो 54% रहेंगे, वहीं 25% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच को वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पर कैसा होने वाला है, तो इस पिच पर अभी तक टोटल 9 मैच खेले गए, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो जो भी टीम अगर टॉस जीत के बॉलिंग करती है तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकते हैं। क्योंकि अगर इस पिच पर रन की बात करें तो जो भी अगर फर्स्ट बैटिंग रन डिफेंड करेगी काफ़ी लो स्कोर जा सकते हैं। अगर वहीं चेस करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ भी इजली वे में मैच चेस कर सकती है। अगर इस पिच पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो 129 रन में भी जा सकते हैं 30 के लमसम। अगर वहीं सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में भी मे भी उतना रन जा सकते हैं। तो जी, इस पे 10वां मैच खेला जाएगा इस पिच पे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी ज़बरदस्त भी होगा, आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस देखते हैं। तो पहली टीम सलीम स्पार्टन्स की बात करें, नो डाउट अच्छी टीम है, बट सलीम स्पार्टन्स की परफॉर्मेंस काफ़ी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है। अगर बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का यहाँ पे कम्बिनेशन थोड़ी सी सुधारने की ज़रूरत है। अगर वही दूसरी टीम मदुराई पैंथर्स की बात करें, नो डाउट ये भी टीम अच्छी है, बट ये भी टीम का कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। अगर पिछली मैच की बात करें तो पिछला अपना दोनों मैच हार के आ रही है, तो ये मैच काफ़ी अच्छा होगा, आप लोग जरूर देखेगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वही बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बॉन्स पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों की की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम सलीम स्पार्टन्स के की प्लेयर की बात करें तो अमित साथविक, कौशिक गांधी, मान बाफना, सनी साधू। वहीं दूसरी टीम मदुराई पैंथर्स के की प्लेयर की बात करें तो सी हरी, निशांत, वाशिंगटन सुंदर, गुरप्रनीत सिंह, मुर्गुन अश्विन। तो ये रहे दोनों टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो फाइनली अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर की ओर। तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए सलीम स्पार्टन्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।